आसी लोग पूरा पानी भी नहीं रखते हैं ना। गर्दन हो तो ऐसे इसे तो तूने रीवैल्यूएशन अप्लाई क्यों किया? उससे आपका क्या संबंध है? उसका और तेरा क्या नाता है? कॉर्पोरेशन में पढ़ने वाली लड़की का रीवैल्यूएशन से क्या लेना देना? वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की है सर, उसकी हालत बहुत खराब है। मरने दे, तुझे क्या करना है? तुम सब इंसान हो क्या? गरीब लड़की पढ़ने की सोच रही है, वो क्या गलत है? पढ़कर क्या करेगी? पढ़कर स्टेट में फर्स्ट आकर फॉरेन में पढ़ने जाएगी क्या? अच्छे से पढ़ भी लेगी तो चार घर के बर्तन मांझ कर ही जिंदगी गुजारने वाली है, वो क्या करेगी पढ़ के? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे देखकर तुझे ऐसा लगता है हा? बता, दिखा दूं? उसके लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। देख, डीपीआई में गई थी, रीवैल्यूएशन अप्लाई किया था, ये सब भूल जाना। इसके अलावा अगर कुछ करने की सोची भी तो बर्बाद कर दूंगा। निकाल वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड। हेलो, इधर ही हूँ। आप ही के साथ हूँ। किसे कैसे ठीक करना है मुझे सब पता है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ठीक। थैंक्स। निकाला क्या? सत्या के बारे में पता है ना? बहुत अर्जेंट है। साफ खड़े हो, उनसे बात करो। क्या हुआ? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन है? रिलैक्स। वो सब घर पे आके मुझे धमका रहे हैं। ये मैटर तो बहुत ही सीरियस लग रहा है। चलिए हम कमिश्नर ऑफिस जाके कंप्लेंट करते हैं। आइए। एसी श्रवण है क्या? जलन हो रही है, निकाल गाड़ी। ए रुक, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए, जाके देख क्या है। ए, वो तो नहीं है क्या? ए, उसे पकड़ के अंदर डाल। तू जा। छी। ए, हेलमेट। चल गाड़ी निकाल। ओके सर। मलाइका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम हो गया? नहीं भाई, उसे पुलिस ले गई। क्या बोल रहा है? उसे एसीपी लेके गया है। श्रवण आ गया क्या? हाँ। देख कर नहीं कर सकते क्या? गुड मॉर्निंग। कौन चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट। नमस्ते सर। 14 तारीख की फुटेज देख सकते हैं क्या? हाँ सर। थैंक यू। प्लीज। मैंने काम कर दिया है। सॉरी सर। गजेंद्र, श्रुति
12:30 बजे घर के बाहर गई है और ये श्रुति की गाड़ी 4:30 बजे लेकर के आ रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार वो 2:30 बजे ही मर चुकी थी, तो घर और टोल नाका के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा? बोलो सत्या। श्रवण कहाँ पर हो? एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। श्रुति का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उसके घर पर आओ। अरे एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। अरे पोस्टमार्टम में कुछ अलग करके लिखा गया है ऐसा मुझे लग रहा है। तू थोड़ा जल्दी कर गजेंद्र, चलो। जी सर। मधुसूदन, इनको कमिश्नर ऑफिस लेकर जाओ। मैडम सर, एक अर्जेंट काम है, आप कमिश्नर ऑफिस में वेट करो, मैं आता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत क्यों लिखी? किसके कहने पे लिखा? किसके कहने पे लिखा? रास्कल। बोल, बोल। किसके कहने पे लिखा? बोल, बोल, बोल। कहाँ भाग रहा है? बोल, बोल। किसके कहने पे लिखा? किसके कहने पे लिखा? बोल। श्रवण? क्या श्रवण, इसको क्यों मारा? ये क्या एविडेंस था? इसीलिए तो मारा। करेक्ट टाइम में आकर नहीं ठोकता तो सच बोल देता। धोखेबाज? तू दोस्त है क्या? रुक जा, गुस्सा नहीं, रखो तेरा निशान। फॉर्मेलिटीज क्या होगी ये तुझे पता है। तू कौन है? श्रुति को मारा तूने? अरे तू पागल है क्या? ये सब मुझे पता होता तो मैं क्यों भाग भाग के आकर इसे मार देता? ये सब तूने किसके कहने पे किया? देख दोस्त, मुझे किसी को फंसाने की आदत नहीं है। लेकर आओ। सर, सर, वन क्वेश्चन सर, प्लीज। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को क्यों मारा सर? इसमें कौन कौन शामिल है सर? वेट वेट वेट, कोई एक ही सवाल पूछो। देखो, अचानक उनकी गर्लफ्रेंड गुजरने के कारण वो थोड़ा मेंटल और अपसेट हो गया। बेचारे ने डॉक्टर के ऊपर शक खाकर उसे भी मार दिया। इंक्वायरी के बाद मिलते हैं। पहले जाने दे मुझे। छोड़ उसे, पता नहीं उसे मार दूंगा। मुझे नहीं मारना उसे। प्लीज उसे कुछ मत करो। पूछ क्या रहे हो? मार उसको। मार। नहीं, मार उसे।
Thank you.